भाई देख रहे हैं आप, आपके साथ में नीतीश गुप्ता, और आप देख सकते हैं कि इस समय तमाम लोग जो है मिठाई बांटते नज़र आ रहे होंगे। मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, और आप देखिए कि जिस तरीके से यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है, योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत हासिल की है, और जिस तरीके से गोरखपुर की 9 सीटों पर क्लीन स्वीप हुई है बीजेपी, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से तमाम लोग जो मिठाई खिला रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी है। आप देखिए कि हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बातचीत करेंगे। चाचा जी, कितनी खुशी है योगी आदित्यनाथ जो है चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने फिर से जा रही है। मुझे चौधरी कैफुल वाला, मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हूँ जी। मुझे महाराज जी ने उर्दू उत्तर प्रदेश अकेडमी का चेयरमैन बनाया है, और इससे मोहल्ले मुस्लिम मतदाताओं में बहुत हर्षोल्लास है कि उन्होंने हम में से बनाया। इस वजह से सारी जनता जितनी मुसलमान है, इसमें 20% लोगों ने महाराज जी को वोट दिया है, और वोट दे करके प्रचंड बहुमत से उन्हें विजयी बनाया है, और सारी जनता के अंदर हर्षोल्लास है। अच्छा भाई साहब, एक अलग तस्वीर है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग मिठाई बांट रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की एक छवि रखते हैं, तमाम लोग उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। गोरखनाथ मंदिर के एरिया में हम खड़े हुए हैं, आप लोग भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है, और आज आप लोग खुद मिठाई लोगों में बांट रहे हैं, किस तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं? भाई हम लोगों में बहुत खुशी है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत पुराना हम लोगों का उनसे एक संबंध सिलसिला है, तो इसलिए हम लोग हमेशा उनके साथ में रहते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटा है और उनका स्वागत किया हर तरीके से, हम लोग उनके साथ। जो लोग आरोप लगाते हैं, सभी आरोपों गलत है। भाई अब अलग अलग जगह पे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से बात करते हैं, आरोप लगाते हैं, हम लोग तो यहीं रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। हम लोग यहाँ नज़दीक में, हम लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आरोप जो लोग लगा रहे हैं वो सही है गलत, वो हम लोग जानते हैं। योगी के जीत की खुशी आप लोगों में दिखाई दे रही है, कितनी खुशी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि फिलहाल हम अभी आ रहे थे तो देखा आप लोगों ने पटाखे भी फोड़े, मिठाइयाँ भी बांटने, कितनी खुशी है और किस तरीके से खुशी जाहिर करते हैं? हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जितनी खुशी है उतनी ज़्यादा हम लोग के बीच में है। हमारे पड़ोसी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूर्ण बहुमत की फिर सरकार आई है, हमको हमारे मुस्लिम समाज को बहुत खुशी की बात है। हम लोग बढ़ चढ़ के उनको वोटिंग करने के लिए रुझान किया, सबको बरगाएं, उनके कामों को बताएं, और उनकी हर चीज़ें हर जगह जगह जो भी समस्या आती है हम उन्हीं के पास जाते हैं, जो भी बात रहती है हम उनके लेकर जाते हैं अन्य जगहों के। देखो तो चुनाव जीत चुकी बीजेपी, अब मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं योगी जी, खुशी है? बहुत खुशी है, इसी खुशी का तो यही इजहार है कि हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, और हम लोग जो है पटाखा बजा रहे हैं, और सारे लोग इकट्ठा होकर के खुशी मना रहे हैं। पूरे प्रदेश का मुस्लिम वर्ग जितना भी था, उसने महाराज जी के कार्यों को देखते हुए महाराज जी को वोट, बीजेपी को वोट किया है। इस बार कोई भेदभाव किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं, महाराज जी में देखा था उनके कार्य को देखते हुए, उन्होंने किसी वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने हर समाज के लिए काम किया, उसी का रिजल्ट आज ये है कि महाराज जी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखिए आप, हम यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़े थे, और ये देखें यहाँ पे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, और आप सड़कों पे देख सकते हैं कि लोगों ने कितने पटाखे फोड़े हैं, और यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग थे, योगी आदित्यनाथ के जीत पे काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे, लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे थे, और यही कहना था कि ये हमारे पड़ोसी हैं, जीत से हमें काफ़ी खुशी मिली है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।